साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एनएचआई न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। उज्जैन में आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन पद्मेश शाह द्वारा चर्चा में बताया गया कुल प्रकरण 58,426 पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 7,136 प्रकरण लोक अदालत में स्थानांतरण कर दिए गए हैं। उज्जैन में आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन पद्मेश शाह द्वारा चर्चा में बताया गया कुल प्रकरण 58,426 पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 7,136 प्रकरण लोक अदालत में स्थानांतरण कर दिए गए हैं। लोक अदालत में कंपाउंड टेबल आपराधिक प्रगति, 148 बैंक रिकवरी, श्रमिक से जुड़ा प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जल प्रदाय प्रकरण, पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधित रेवेन्यू पेंडिंग, सिविल प्रकरण, डोमेस्टिक बैलेंस 125, सीआरपीसी नियंत्रण प्रकाश ऐसे कई प्रकरणों पर लोक अदालत में निराकरण किया जाएगा। समय पर सभी अधिकारीगण नेशनल लोक अदालत में पहुंचे और पीड़ित को लेकर निराकरण करने लगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन आज दिनांक 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सभी तरह के शमनीय आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस केस, मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरण, विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण रखे गए हैं, सिविल विवाद भी रखे गए हैं। इसलिए हमने पूरे जिले में लगभग 46 खंडपीठ का गठन किया है। इन 46 खंडपीठ में कुल 7,000 मामले लोक अदालत में राजीनामा हेतु रेफर किए गए हैं। हमें आशा है कि आज हम अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास कर पाएंगे।